अल्लाह वेलकम बैक टू माई चैनल इन माई लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब ये जो क्लिप्स हैं ना वीडियो के मैंने एक दो दिन पहले बनाए थे मेरी अपॉइंटमेंट थी तो दिजाना के बाबा ने मुझे दिजाना के बाबा ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ किया था और ये बिल्कुल स्टोर के साथ ही मेरी अपॉइंटमेंट थी तो अभी उनके आने में टाइम था दस पंद्रह मिनट थे तो मैंने कहा वाई नॉट चलते हैं ज़रा नज़र मारते हैं कोई चीज़ कोई अच्छी लग जाए तो ख़रीद लेंगे लेना नहीं था मुझे कुछ मैं तो बस वैसे ही आ गई थी टाइम पास करने के लिए क्योंकि अब अपॉइंटमेंट डन हो गई थी तो मैं क्लिनिक में तो नहीं बैठ सकती थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वो तो कहते हैं ना कि एक वो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं तो ये एक स्टोर है अरबी स्टोर है यहाँ पे मैं जब नई नई आई थी ना एडमिटन यकीन करें स्टोर में मैंने आके जो मैंने पैसे ज़ाया किए हैं ना इतनी चीज़ें मैं जो मुझे चीज़ नहीं लगती थी मैं उठा लेती थी क्योंकि जिस जगह से हम मूव हुए हैं ना उन से वहाँ पे इस तरह का कोई अरबी स्टोर नहीं था इस तरह की वैरायटी वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती थी छोटा शहर था लिमिटेशंस थी वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती थी तो मुझे यहाँ पर जब मैं ही ना एकदम से वो कहते हैं ना किसी को आप ऐसी जगह पर छोड़ दो जो उसके लिए नहीं हो तो वो एक दफ़ा इंसान वो कहता है ना ओवरवेलम्ड हो जाता है तो मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो गई थी और हर वक्त ये भी ले लो वो भी ले लो ये भी ले लो वो भी ले लो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बताया और मुझे समझ आ गई कि इस तरीके से करने से सिर्फ पैसा ज़ाया होता है कोई आपकी वो जो कहते हैं ना जो सुगड़ पन्न है ना आपका वो ख़त्म हो जाता है फिर मैंने स्लोली स्लोली अपने आप को मैं एक रूटीन पे लेके आई और मैंने ये देख लिया कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं इन स्टोर्स में आपको प्राइस ऑलवेज़ थोड़ी ज़्यादा हाई नज़र आती हैं तो स्मार्ट शॉपिंग वही होती है आप जब जैसे मैं हूँ मैं रूटीन में जाती हूँ ग्रॉसरीज़ में तो मुझे ये सारे चिप्स ये कुकीज़ इनकी चीज़ें ना मुझे अप्रॉक्सीमेटली सबकी कीमतों का पता है तो मैं जब यहाँ पे देख रही हूँ तो ये एक एक डेढ़ डेढ़ डॉलर डे डे हर चीज़ महंगी है तो फिर समझदारी वही है जहाँ पे आपको थोड़ी मुनासिब मकदार में, में चीज़ मिल जाए मुनासिब क्वांटिटी से भी ज़्यादा मुनासिब अगर उसकी प्राइस है जो आपके पॉकेट पे अच्छी पड़ी है तो वहाँ पे चले जाएं लेकिन जिस तरह देखें ना ये हलाल चीज़ें हैं इतनी ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलती हैं तो इसलिए कभी कभी आ जाती थी मैं यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे आना बिल्कुल छोड़ दिया मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पे मैं जाती हूँ ना तो ट्रस्ट में कि मैं ले के बिल्कुल सारा वो कहते हैं ना जंक सा लेके आती थी और मैंने सारे पैसे ज़ाया करने करते तो क्योंकि अक्सर चीज़ें मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी तो आज मैं आई तो मेरी वो पुरानी यादें आ रही थी मैं कहती थी कितना मैंने बेवकूफ़ी का टाइम गुजारा है लेकिन ये भी एक सच है कि उम्र के साथ और एज के साथ तजर्बे के साथ आप में ये Uh, जो मच्योरिटी है ना वो आती है उससे पहले आप बड़े इमिच्योर से होते हैं हर चीज़ देख के ना आपका दिल कर पड़ता है अब ये देखिए सर अजवा खजूर है ये आपको बहुत कम स्टोर्स में मिलेगी वो आपको ऐसे ही स्टोर्स में मिलेगी और ये प्राइस भी आप देख लें आधा किलो है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा खजूरों की टाइप्स हैं और जब मैं शुरू शुरू में आई थी ये खजूर भी मैंने बड़ी खाई हैं लेकिन बस अब वो आहिस्त आहिस्ता करते 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 एक रूटीन बन गया तो अब मुझे पता होता है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से लेनी है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से लेनी है तो बस अभी आपको ये दिखा रही हूँ उसके बाद मैं आपको घर लेके कर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि आज मैंने आपके साथ एक मजे की रेसिपी शेयर करनी है आज हम बनाने वाले हैं जी क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ जो जो फ्राइज़ होते हैं आपके आलू के फ्राइज़ होते हैं लेकिन वो क्रिस्पी एंड मसालेदार होंगे तो बस अभी मैं आपको घर लेके जाती हूँ मैं आपको सिखाती हूँ वो कैसे बनाने हैं चले जनाब तो अब आप मैं आपके सामने आ गई हूँ रेसिपी लेके और रेसिपी में हम क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं जी क्रिस्पी चिकन फ्राइड फ्र, नहीं क्रिस्पी फ्राइड पोटेटोज इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह की चिप्स हैं या आप कह सकते हैं कि एक तरह की जैसे कुछ लोग भुजिया बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं पकौड़े उस तरह की एक चीज़ है लेकिन ये क्रिस्पी फ्राइज़ की तरह की एक चीज़ बनेगी ये रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगती है एक आध दफ़ा मैंने लाइफ में पहले बनाई है मुझे आइडिया है क्यों ना बच्चों के लिए बनाई जाए तो ये मैंने ले लिया आलू ये तकरीबन आप कह सकते हैं छः से सात आलू होंगे मीडियम साइज़ के इधर अगर हम आ जाएँ तो ड्राई स्पाइसिस में हमारे पास पड़ा है बेसन तीन से चार चम्मच हमने लिया है जी आ, जो है राइस फ्लार जो चावल का आटा वन टेबल स्पून गर्म ये हमने लिया है जी चाट मसाला हाफ अ टी स्पून हाफ अ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है क्वार्टर टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है वन टी स्पून मैंने लिया है जी ड्राइड कोरिएंडर, वन टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा हाफ टी स्पून क्रश चिलीज़ तो ये ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है मिक्स करके हम इसके ऊपर डाल देंगे तो चलें मैं इसका मेथड स्टार्ट करती हूँ और फिर आपको इसकी रेसिपी मज़े की बताऊँगी इधर मैंने समोसों का मसाला बना के रखा है और उधर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है तो जितने में हमने ये बनाना है उतने में ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम इसकी फ्राइंग राइट अवे स्टार्ट कर देंगे चले अब मैं फिर से वॉइस ओवर करने लगी क्योंकि उस वक्त इसलिए नहीं किया था क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइसिस थे मैंने कहा कहीं पर जब मैं उसको वॉइस ओवर करूँ तो मैं कोई बताना भूल ना जाऊँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है तो अब मैंने क्या किया आपके सामने मैंने सारे मसालों को लेके उसको मिक्स किया है और उसको मैंने आलूओं के ऊपर ऐसे डाल दिया स्प्रिंकल कर दिया अब हम पहले हाथों की मदद से इसको ऐसे करेंगे फिर इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इस तरीके से हमने पानी ऐड करना है कि हमने इसको लिक्विड नहीं करना बस इतना कि ये सारा मसाला जो है ना वो आलूओं के ऊपर चिपक जाए और फिर आप देखिएगा आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे ना क्रिस्पी एंड स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज़ स्पाइसी नहीं है Uh, कहते हैं ना कि इसका एक टेस्ट होगा जैसे आप सिंपल फ्रेंच फ्राइज खाते हैं वो सॉल्टी होते हैं लेकिन इसके ऊपर आपको बड़ा मजे का एक टेस्ट आएगा और वो इतने मज़े के आपको लगेंगे आप बहुत इन्जॉय करेंगे अच्छा मेरे बच्चे मैंने आपको उसने भी बताया था कि मेरे बच्चे आलू ज़्यादा शौक से नहीं खाते तो आज मैंने सबको पूछा मैंने कहा आज एक रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ अगर तो तुम लोग खाओगे तो मैं थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ अगर तुम लोगों ने नहीं खाना तो मैं थोड़ी बनाऊँगी ताकि मैं रेसिपी शेयर कर दूँ देखिए मेरा फूड वेस्ट ना हो जाए तो सब लोगों ने कहा नहीं नहीं अम्मा बना लें बना लें रोजे के साथ आपको पता है ना सबको हर चीज़ ना बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है तो बस अभी मैंने क्या किया है कि मैंने इसको वैसे ही जैसे मैंने इसको किया जी इसमें इस मसाले मिक्स किए हैं साथ ही हमने इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर दी कर दिया पहले मैंने एक पीस डाला तो हमारा जो ऑयल था ना वो अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ हुआ था तो मैंने एक एक आध मिनट और वेट किया अब देखिए कि ये सारा का सारा जो हम लोग ने मसाला बना के रखा था आलुओं का उसको एक एक को डालने की ज़रूरत नहीं है आप पूरा बंच भी डालेंगे ना तो उसके बाद जब आप इसको मिक्स नहीं करेंगे और थोड़ी देर इसको तकरीबन डेढ़ दो मिनट ढाई मिनट आप पकने देंगे फिर जब आप इसको मिक्स करेंगे ना चम्मच के साथ तो इसका मसाला जो है वो आपके आलुओं को छोड़ेगा भी नहीं और सारे आलू एक एक करके अलग अलग हो जाएंगे ये टिप याद रखनी है कि आपने आलूओं को मिक्स नहीं करना राइट वे जब तक आपके आलू एक साइड से कम्पलीटली पक ना जाए अगर आपने इनको जैसे आपने आलू डाले ऊपर से आपने चमचा हिला दिया तो आप यकीन करें आपके आलूओं का सारा मसाला आलूओं से हट के आपके ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा मैंने उसके अंदर उसको डाला है मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल मेरा गर्म था और बस इसको मैंने काटा भी बारीक बारीक था इसको हमने मिक्स करते रहना ताकि कहीं से भी ये ज़्यादा ना बने इसकी ये वाली जो टिप है ना ये पकौड़ों की तरह ऐसा नहीं कि एक साइड पर छोड़ दो फिर दूसरी साइड पर पहले हमने इसको सिर्फ छोड़ना है ताकि वो एक साइड से पक जाए मसाला अलग ना हो और फिर हमने इसको आराम से निकाल के और सर्व कर देना है तो बस जनाब यही थी जी हमारी आज की रेसिपी झटपट बनने वाले क्रिस्पी मज़ेदार हमारे पोटैटो फ्राइज़ ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं मुझे आपने इसका फ़ीडबैक भी देना है क्योंकि मैं पता रमज़ान में ना डबल मेहनत कर रही होती है एक तो मैं घर वालों के लिए चीज़ें बना रही होती हूँ दूसरा मैं इसको फिल्म भी कर रही होती हूँ आप अक्सर रूटीन में जब मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं आप अक्सर कहते हैं गोला आप इस चीज़ की रेसिपी बताएं ये रेसिपी क्यों आपने नहीं बताई तो मुझे रेसिपीज़ जो है ना वो फ़िल्म करना आसान नहीं लगता मुझे बड़ा मुश्किल लगता है तो रमज़ान बल्कि मैंने अपनी आप से वो कहता है ना कि एक हट के रूटीन से मैं काम करती हूँ कि मैं हर चीज़ को फिल्म करने की कोशिश करती हूँ जो भी नई चीज़ बनती है वो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मेरी ये एफर्ट्स जो है ना वो यकीन करें रमज़ान में डबल हो जाती हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के दस्तरखान पर भी वो चीज़ें बने जो मैं घर में ट्राई करती हूँ और आप लोग भी वो सारी जो है ना वो तारीफ़ें वसूल करें जो मैं करती हूँ तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का ब्लॉग और आज की हमारी ये रेसिपी आप को मुझे उम्मीद है कि मेरी हमेशा की तरह जितनी भी रेसिपीज़ आती हैं जितनी वो आप पसंद करते हैं आपको ये रेसिपी भी उतनी ही अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगेगी ये रेसिपी तो कल फिर वापस आइएगा आप लोग मेरे चैनल पे मुझसे मिलने मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह